अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शिराज नूर और आप देख रहे हैं MSN मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं जो क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करूंगा, तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो आखिर तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। कुछ ने डिफरेंट मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो वो कह रहा है कि कौन से जो मैट्रिसेस हैं वो एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखें कि एडिशन के लिए कंफर्टेबल मैट्रिसेस कौन से होते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, इसके लिए कंडीशन है जिनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा वो एडिशन के लिए कंफर्टेबल होंगे। अब देखेंगे इनमें ए मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है 2, 1, -1 एंड 3। अब देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है, दो इसमें रोज़ हैं और दो ही कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर है 2 बाई 2। अब देखेंगे और कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, तो ई पार्ट देखें, जो ई मैट्रिक्स है -1, 0, 1, 2। अब इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 है, तो जिनका ऑर्डर सेम होगा वो आपस में उनका एडिशन कंफर्टेबल होगा। तो ए और ई आ गए, ए ई। उसके बाद जो बी मैट्रिक्स है उसके साथ मिलता है डी, क्योंकि इन दोनों में दो रोज़ हैं और एक कॉलम है। उसके बाद सी और एफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स किस तरह फाइंड करते हैं? देखें, एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए जो हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया होता है ना, गिवन होता है, हम उसकी जितने भी एंट्रीज होती हैं उनका साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर किसी के साथ प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। चलिए इधर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 का हम जो देखते हैं, सबसे पहले तो ए पार्ट हम इसका देखते हैं। ठीक है, ए पार्ट उसने दिया 2, 4, -2 एंड 1। अब इसका एडिटिव इन्वर्स किस तरह फाइंड करेंगे? एडिटिव इन्वर्स माइनस ए होगा, तो इसके साइन चेंज कर देंगे, -2 आ जाएगा, इसके साथ -4 आ जाएगा, इसका माइनस है प्लस हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा, ये आंसर आ गया। अब बाकी भी इसी तरह करने हैं। इसका अगर एफ पार्ट हम देखते हैं तो एफ पार्ट उसने दिया है 3√1 -1 एंड 2√। ठीक, अब इसका एडिटिव इन्वर्स हम माइनस एफ लिखेंगे, तो ये -3√2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -2√2 हो जाएगा, इसके साइंस चेंज कर दिए। तो दो क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने ए बी सी और डी मैट्रिसेस दिए हुए हैं, वो कह रहा है कि आगे फाइंड करें, तो चलिए फाइंड करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट ए प्लस 1, 1, 1, 1। अब इसका सॉल्यूशन सॉल्व इसको कैसे किस तरह करेंगे? ए उसने क्या दिया हुआ है -1, 2, 2 एंड 1 प्लस 1, 1, 1, 1, ये चीज़ ऐसी आ जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों का हमने प्लस कर देना है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने प्लस करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इस तरह -1 +1
2 प्लस 1 2 प्लस 1 1 प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1 0 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3 1 प्लस 1 2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब बी पार्ट भी इसी तरह करना है, बाकी पार्ट्स भी इसी तरह करने हैं। इनमें से एक और पार्ट देख लेते हैं हम, इसका देखते हैं 6th पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, सिक्स पार्ट में देखते हैं वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। -1 × b उसने दिया हुआ है। अब b जो उसने मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। b उसने क्या दिया हुआ, 1 एंड -1 1 एंड -1। ठीक है, अब -1 को इस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 क्रॉस -1 तो -1 को अगर 1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 प्लस 1 क्रॉस 1 = 1, -1 और 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी पार्ट भी इसी तरह करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है बहुत ईजी हैं, चलें ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम कौन सा पार्ट करें, चलिए मैं इसका 1st पार्ट कर देता हूँ पहले, फिर एक और पार्ट करते हैं। 1st पार्ट उसने क्या दिया हुआ है, 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0 प्लस 1 1 1 0 वन 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 ज़ीरो। अभी उसने डिफरेंट इसको कर दिया, एक ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व किस तरह करेंगे, ये जो मैट्रिसेस ब्रैकेट में दिए हुए हैं पहले इनको सॉल्व करेंगे, इनको प्लस करेंगे, प्लस करके फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ प्लस कर देंगे। तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 0 1। ठीक है, प्लस ये चीज़ आ जाएगी, 1 1 1 0। अब क्या करना है, अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 1 प्लस 1 = 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 1 प्लस 0 1, ये आंसर आ गया हमारे पास। पहले जो ब्रैकेट्स में दी हुई उनको सॉल्व करना, फिर जो साथ वाली होगी उसके साथ उसको सॉल्व कर लेना, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसका हम अगर देखें पार्ट नंबर 3 देखते हैं, 3rd पार्ट देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट। उसमें उसने दिया 2 3 1 प्लस 1 0 2 माइनस 2 2 2 माइनस 2 2 एंड 2। अब इनको उसने लगा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो पहले हम ये ब्रैकेट्स वाले सॉल्व करेंगे। ओके, अब पहले ब्रैकेट्स वाले सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, 2 3 1 आ जाएगा, प्लस इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 2 = -1, 0 माइनस 2 = -2, 2 माइनस 2 = 0, ये आ गया। अब इन दोनों को
इन दोनों को प्लस करेंगे, टू प्लस माइनस माइनस, टू माइनस वन वन, थ्री प्लस माइनस माइनस, थ्री माइनस टू वन, वन प्लस ज़ीरो वन। ठीक है, ये देखिए ये मैंने किस तरह किया, टू प्लस इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो टू माइनस वन वन आ जाएगा, थ्री माइनस टू वन आ जाएगा, वन माइनस ज़ीरो वन प्लस ज़ीरो वन आ जाएगा। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स एक और पार्ट करते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ पार्ट नंबर कर लेते हैं, इसका पार्ट नंबर फाइव करते हैं। ठीक है, ओके, पार्ट नंबर फाइव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर का फाइव पार्ट उसने ये दिया हुआ है, वन टू थ्री, टू थ्री वन, थ्री वन टू, प्लस वन ज़ीरो माइनस टू, माइनस टू माइनस वन ज़ीरो, ज़ीरो टू माइनस वन। इनको आप सॉल्व कर लेते हैं, इनको सिंपल हमने प्लस कर देना है। तो ये देखें, वन प्लस वन, इसको हम डिटेल से करते हैं, वन प्लस वन, टू प्लस ज़ीरो, थ्री माइनस टू। ठीक है, टू प्लस माइनस माइनस, टू माइनस टू, थ्री प्लस माइनस माइनस, थ्री माइनस वन, वन प्लस ज़ीरो। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को हम जो ना ऐड कर रहे हैं, थ्री प्लस ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो, टू माइनस वन। आप देखेंगे इसका क्या आंसर आता है, वन प्लस वन टू, टू प्लस ज़ीरो टू, थ्री माइनस टू वन, टू माइनस टू ज़ीरो, थ्री माइनस वन टू, वन प्लस ज़ीरो वन, थ्री प्लस ज़ीरो थ्री, वन प्लस ज़ीरो वन, टू माइनस वन वन। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह करने हैं, तो फोर क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी जो क्वेश्चन नंबर फाइव है, सिक्स है, सेवन है और एट है, ये हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ अगर किसी को कोई क्यूरी हो तो मुझे लाजमी बताइएगा, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।